मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज होने पर कांग्रेस ने मुख्यालय पर प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। विधायक रवि जोशी, विधायक झूमा सोलंकी, जिलाध्यक्ष रवि नायक सहित अन्य पदाधिकारी टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पहुंचे। यहां नारेबाजी कर अपना आक्रोश दर्ज कराया। इसके बाद गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाकर सरकार को सद्बुद्धि देने की अपील भी की। वहीं लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, भारत माता की जय, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। विधायक जोशी ने कहा कि मानहानि केस में राहुल गांधी के विषय में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुझे महात्मा गांधी का कथन याद आता है। बापू ने कहा था कि सत्य का मतलब सत्य बोलना मात्र नहीं है, सत्य का अर्थ है सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी सत्य से विचलित नहीं होना। गांधी ने सत्य की ऐसी कठिन राह पकड़ी है, हम सब उसके साथ हैं। इतिहास गवाह है कि चाहे जितनी परेशानियां आएं, चाहे जितनी परीक्षाएं हों, चाहे जितने षड्यंत्र किए जाएं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। इस दौरान जिलाध्यक्ष नायक, प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर गोविंद मुजलदा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर ने भी संबोधित किया। बचाने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने पर तुली हुई है और देश में लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने मौन प्रदर्शन किया और पूज्य बापू जी को माल्यार्पण कर अहिंसा से विरोध दर्ज कराया है। एक के बाद एक राहुल गांधी के ऊपर केंद्र की सरकार हमले कर रही है और उनको संसद में जाने से रोकना चाहती है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि देश में लोकतंत्र जीवित है, विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाए नहीं, विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाहती है, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है और विपक्ष की आवाज बुलंद हो, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? नायक।